पौड़ी के देवप्रयाग सीएमओ कार्यालय के पास से गणेश भगवान के शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर भगवान गणेश की प्रतिमा को शहर में घूमते हुए लोअर बाजार स्थित गणेश चौथ हाल में स्थापित किया गया है। वहीं ढोल की थाप पर भक्तों ने गणपति बप्पा मोरिया की जयकारे लगाते हुए जमकर गुलाल रंगों को उड़ाया है और गजानन की शोभा यात्रा का पूरे शहर में लोगों ने स्वागत किया है। शहर के सिविल लाइन एजेंसी चौक पर अप्पर बाप बाजार होते हुए शोभा यात्रा शहर में घूमी। इसके साथ ही आयोजक मंडल द्वारा विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ लोअर बाजार स्थित गणेश चौथ हाल में गणेश भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया गया। पौड़ी से मुकेश बच्छेती की रिपोर्ट। आप सबको पता होगा आज जो है श्री गणेश चौथ महोत्सव का आयोजन हमने शुरू कर दिया गया है। आज 19 सितंबर है और आज हमने मूर्ति स्थापना कर दी है। इसमें हम जो है 9 दिन तक पूजा अर्चना करेंगे। 28 सितंबर को हमारा देवप्रयाग में विसर्जन होना है। भव्य शोभा यात्रा के साथ जो है हम इसका विसर्जन देवप्रयाग संगम में करेंगे और हम सुबह शाम जो है यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन कर रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश हमारी अपना आशीर्वाद हम प्रदेश